विजय विजय शंकर जी, ये टूरिज्म के एंगल से शोएब बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों का टूरिज्म खत्म होगा तो व्यापार खत्म होगा, ताजमहल की गरिमा गिरेगी। देखो मीनाक्षी, ये अगर ऐसा होता तो लोग अपने उत्पाद का विज्ञापन नहीं कराते, वो विज्ञापन इसीलिए कराते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के पास। ठीक है विजय जी, अपनी बात रखें। मीनाक्षी अगर ये रुके तो मैं बात करूं। हाँ मीनाक्षी, मैं कहता हूं कि लोग अपने उत्पादन का विज्ञापन इसलिए करते हैं कि अधिक से अधिक लोग खरीदें, जिसका नाम अधिक से अधिक लोगों के पास जाएगा चाहे वो किसी भी उसमें जाए। तो इसमें कोई ताजमहल को बदनाम करने जैसा कोई बिंदु नहीं आया है, केवल ये आया है कि इसके अंदर जो 22 कमरे बंद हैं उनके अंदर देखिए क्या है। तो स्वाभाविक है, अगर ऐसा इनको कोई आपत्ति नहीं है और उनको कोई दिक्कत नहीं है तो इनको तो हाँ कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी दो तीन बातें निकल के आई, बिलाल कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता इनकी कब चली जाती है? जब कश्मीर से हिंदू जाता है तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? कैराना से जब हिंदू भगाया जाता है तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? जब मेवात से हिंदू भगा दिया जाता है तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में जब हिंदू फांसी पर लटकाया जा रहा है तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? जब गुजरात उनकी हिंदू मुस्लिम एकता से इनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, एक और मीनाक्षी, मैं जल्दी बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस देश का स्वाभिमान, औरंगजेब, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, इस देश का स्वाभिमान नहीं है। इस देश का स्वाभिमान है भगवान राम, इस देश का स्वाभिमान है भगवान कृष्ण, इस देश का स्वाभिमान है बाबा विश्वनाथ। तो इस देश का अगर स्वाभिमान चाहिए तो मीनाक्षी, इनको जब औरंगजेब की बात आती है, बाबर की बात आती है, मोहम्मद गोरी की बात आती है, मोहम्मद गजनवी की बात आती है, इनको कष्ट क्यों होता है? मैं कहता हूं इस देश के स्वाभिमान है क्या? औरंगजेब इस देश का स्वाभिमान है क्या? मोहम्मद गोरी इस देश का स्वाभिमान है क्या? जो स्वाभिमान है, जिसके नाते दुनिया में भारत की पहचान है, वो है श्री राम, वो है भगवान कृष्ण, वो है भगवान विश्वनाथ। इसके कारण दुनिया भर से भगवान लोग आते हैं यहाँ पर। और ये जो स्वाभिमान है, इसको बचाने का काम भी भारत के आस्थावान लोगों के हाथ में है। और इस पर कोई अगर रोड़ा अटकाता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ के हिंदू धर्म विरोधी है। ठीक है शेजाद, देखिए आज शोएब जी एक एक करके बात रखते हैं प्लीज, मैं भी स्टूडियो में हूँ, इस प्रकार से नहीं। आपने दो तीन बातें रखी, उसका जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। देखिए शोएब जमाई ने कहा कि ताजमहल विश्व की धरोहर है, देश की धरोहर है, इससे टूरिज्म चलता है, हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये इनका कहना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़े सम्मानपूर्वक, ये फिर वहाँ पर नमाज अता करने की जिद वहाँ पर कुछ लोग करते हैं, और जब उनको ASI पहले से मना कर रहा है UPA के ज़माने के दौर से, तब आप उसको समर्थन क्यों नहीं करते? आप कहते नहीं नहीं नहीं, हमको तो वहाँ पर नमाज अता करनी है। मैंने बिलाल से भी पूछा कि मकबरे पर नमाज अता करने की एक तो कोई इस्लामिक प्रथा नहीं है, दूसरी बात ये तो विश्व का धरोहर, एक सेकेंड, विश्व का धरोहर है, तो विश्व के धरोहर की पर्यटन की जो क्षमता है वो आपके नमाज अता करने से तो कम होगी ना, क्योंकि अगर ऐसे ही हर ASI के जगह पर आप अतिक्रमण करके, घुसपैठ करके नमाज अता करना शुरू कर दोगे तो फिर कौन जाएगा वहां पे, कैसे जाएगा? घुसपैठियों को कैसे हम निकालेंगे? एक सेकंड प्लीज मीनाक्षी जी, एक एक करके, एक एक करके। दूसरी बात, आप ही को जवाब देना है, एक एक करके चौतरफा हमला मत करो, मतलब आर्मी जा रही है पत्थरबाजी शुरू, सुन लीजिए मैं आपसे, आप शाब्दिक पत्थरबाजी बंद करो ना, चलिए मैं आपसे सवाल ये है, अरे इनको यहाँ पर इसलिए मुझे दिखाया है क्या? हाँ मैं शोएब जामाई से बात कर रहा हूँ, शोएब जामाई से मैं बात कर रहा हूँ, हाँ शोएब जामाई से बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इस देश की सनातन संस्कृति का सत्य बाहर आने वाला होता है ना, तो ये औरंगजेब अकबर इंडिया कमेटी, ये औरंगजेब अकबर इंडिया कमेटी जिसको मैं कहता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की तरह खड़ी हो जाती है। ये औरंगजेब अकबर इंडिया कमेटी क्यों खड़ी हो जाती है? आप क्या औरंगजेब के यहाँ पे कुकृत्य को बचाने आए हो क्या? आज काशी विश्वनाथ का और वो जो ज्ञान वापी तथाकथित मस्जिद का मुद्दा है, कोर्ट का आदेश है, एक भी बात ना कादरी साहब ने ना शोएब जामाई ने कहा कि हम भर्त्सना करते हैं उन लोगों की
थी जिन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना की। क्यों नहीं कह सकते? ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कोर्ट को टीवी पे आकर कर देंगे, परंतु इनके मन में केवल शरिया बसा हुआ है, इनके मन में सनातन संस्कृति रखना चाहते हैं। कादरी जी देखिए ना, वीडियोग्राफी तो होगी, जो कुछ होगा वो अंकित होगा, वो लिखित होगा, वो वीडियो में शामिल किया जाएगा। इसमें किसी एक पक्ष को परेशान होने की आवश्यकता क्या है? अगर 22 कमरे ताजमहल के भी अगर खोल दिए जाते हैं तो इससे टूरिज्म पर असर कैसे पड़ेगा? कादरी जी आपकी राय। देखिए मैडम, मैं आपको बारहा एक ही बात कह रहा हूँ कि हमारे पास हिंदुस्तान के रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, जो कोस्टल एरिया जिसको कहा जाता है, जहां पर आए दिन तूफान आता है, और वहां पर हमारे फॉरेन कंपनीज आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर आए दिन साइक्लोन आता है और उनका व्यापार, उनका कारोबार बर्बाद हो जाता है। उसी तरीके से हमारे अपने देश में आज फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने को पीछे हट रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पास कब क्या हो जाने वाला है नहीं पता। स्वतंत्र राय रख ले अपनी। मैं पहले बोल लूं, उसका शंकर पूनावाले बोले, पहले मैं बोल। मैं तो बहुत खुश हूँ शंकर पूनावाला बनने में। मौलाना आप भी थोड़ा खंगाल लीजिए कि पहले आप क्या थे, थोड़ा खंगाल लीजिए, आपको पता चलेगा कादरी बने, पता चलेगा कि थे पहले केशव और बना दिए गए कादरी। अरे नहीं नहीं, अरे छोड़िए ना, चलिए नहीं कादरी जी प्लीज, आप मौलाना है, थोड़ा सा उसका उसका थोड़ी गरिमा रखें। कादरी कैसे बने, कादरी कैसे बना तुम्हारा परिवार? कादरी बताइए, मुसलमान है हम। अरे सर सुनिए ना मौलाना जी, अरे मौलाना साहब सुनिए, मौलाना साहब अभी आपने क्या बोला, आपने आपने कहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने इकोनॉमी की बात की। मैं आपसे कह रही हूँ, ये इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अपनी एक तरफ, अगर इस देश का कोई नागरिक जाकर कोर्ट में याचिका डालता है तो कोर्ट ये कहते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि अभी मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर सुनवाई करना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना, जो याचिकाकर्ता जाएगा उसकी याचिकाकर्ता पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी? हमारे अपने देश में अगर अमन चैन रहेगा, सारी चीजें सीधे चलती रहेगी, जो हमारे प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, तो फिर काम होगा। अगर कानूनी पहलू की बात हो रही है शोएब जी, प्लीज शोएब मुझे एक बात बताएं, कानूनी पहलू की बात हो रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं शोएब? शोएब आर यू लिसनिंग, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए बिलाल, मुझे एक मिनट, दस सेकंड केशव से, जो कादरी बने इनसे पूछिए कि जब ये सर तन से जुदा वाली रैली करते हैं डेनमार्क में बने कार्टून की, जिसका कोई इंडिया में लेना देना नहीं, तब ये इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए करते हैं क्या? केशव से जो कादरी बने तलवार की नोक पे, ये अपने और मुझे बताइए कि जब ये काशी में कोर्ट का ऑर्डर पालन करने की बात है और नहीं होता और वहां पर वो यासीन और ओवैसी और अबू आजमी भड़काते हैं, तब इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्या? ठीक है, तो केशव से जो कादरी बने उनको जरा पूछिए। ठीक है, केशव से कादरी बने पर भी सर पे भगवाई है उनके, देखिए अभी भी पूरा नहीं हुआ है धर्मांतरण इनका। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणियों में उन्होंने शुरू किया ना, बिल्कुल उन्होंने गलत शुरू किया, उन्होंने गलत शुरू किया और हम इस पर और आगे ना बढ़े उतना ही अच्छा है। बिलाल मुझे एक बात बताएं, इस देश का नागरिक क्या याचिका नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है इस देश का। तो अगर कोर्ट के हिसाब से सुनवाई हो रही है, कोर्ट के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, तो फिर आपत्ति क्या है? नहीं, याचिका को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, 1,000 डालें, लेकिन उसके बाद जो मुद्दा बनाया जाता है कि इस देश के अंदर कब्जा करके बैठे हैं और ताजमहल के ऊपर अयोध्या कोई मसला जो है, ये बनाया जा रहा है बीजेपी। एक बार विजय शंकर जी ने नहीं बोला, इतिहास में लिखा हुआ है कि इस तरीके से फूट डालो, राजनीति करो, और ये यही कर रहे हैं। अभी सुनिए जिस तरीके से उन्होंने कहा एआईसी, हर चीज में इनका कांग्रेस का मसला रहता है। अरे भाई पहले आप भी कांग्रेस में थे, आप निकल के आगे, आप निकल के आगे, लेकिन आप सोनिया गांधी राहुल गांधी से बाहर निकली है, बीजेपी का नहीं है, मुद्दा नहीं है। कह रही हूं बिलाल, जो है देश में बेरोजगारी का भी है, एजुकेशन का भी है, जो इस देश में महंगाई है उसका भी है, क्या हालत मचा रखा है इस देश का, आए दिन आप तो चढ़ जाते हैं लेकर कहीं भी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।